नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने एक बयान में काफी सारी बातें कही, उनको लेकर के एक एक पॉइंट की बात करेंगे। ये जो बयान है उसका स्क्रीनशॉट है और मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करता हूँ बयान को लेकर के। तो सबसे पहले तो इनके द्वारा कहा गया कि हमारे जो एग्जाम हमने कराया उसमें काफी सिक्योरिटी वगैरह बरती गई है, उसमें एक सील जो हमारी तरफ से भेजी जाती है वो निश्चित संख्या में भेजी गई ताकि सेंटर से किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो सके, वो सारी चीजों को लेकर के इन्होंने बात की। इसके अलावा बात इनके द्वारा ये भी की गई जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के लेवल पर उतने अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया है, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं, मतलब जो नंबर लाएंगे उसमें तो पास होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसमें किसी प्रकार की अगर दिक्कत नहीं होती है तो उनकी नियुक्ति मतलब पक्का है, ये इनके द्वारा कहा गया। क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं है जितनी टोटल वैकेंसी है, वैकेंसी ज्यादा है, अभ्यर्थी जो है वो कम है। उसके अलावा बीएड जो पात्रता है क्या कुछ कहा गया, मैं डायरेक्ट आपको सुनाई देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। इस बात से कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो बातें चल रही है इसमें जब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाता है कि बीएड का क्या करना है तब तक स्वाभाविक है कि हम बीएड का रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट में जो डिप्लोमाधारी जो आ जाएंगे उनका तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट निकाल देंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी अपनी जो भी लीगल रिकॉर्ड्स लेने करने का, या राज्य सरकार या एनसीटी अगर कोई अपने गाइडलाइंस अगर संशोधित करती है, को उनके पक्ष में निर्णय देती है तो उनको एक मौका है। दूसरा इन्होंने जो जिक्र किया वो आपको ध्यान होगा ट्वीट किया था इनके द्वारा कि जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कक्षा 9 के लेवल पर आपका अभ्यर्थी यहाँ पर कम है उनको लेकर के कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे, तो उसकी डेट को लेकर के इन्होंने बताया, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। स्टार्ट होने वाला है और जहाँ तक मुझे अभी ज्ञात है वो हम लोग 4 तारीख से ही शुरू कर दें। तो 4 सितंबर को लेकर के इन्होंने बताया, 4 सितंबर से। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इनके द्वारा बताई गई वो कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों के लिए है, और साथ में जो दिव्यांग जन है उनको लेकर के मेडिकल कराने को लेकर के भी इसी टाइम में ही बात की गई है। और जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उसको लेकर के इन्होंने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो उनके स्थायी निवास पर ही होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो बिहार के बाहर है उनका तो स्थायी निवास से है नहीं रिलेटेड, तो वो तो कहीं भी जा सकता है, परंतु जो बिहार के स्थायी निवासी अभ्यर्थी उनके लिए जो गृह जनपद के तौर पर सेलेक्ट किया होगा वहीं पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको भी सुन लीजिए। इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन है, और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफर किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में तो वहां उनको जाकर के इसको करवाना होगा ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षाफल देने की स्थिति में रहूंगा। तो 15 सितंबर तक रिजल्ट देने को लेकर के भी इनके द्वारा बात जो है वो की गई है इसी कक्षा 9, 10, 11, 12 को लेकर के, और प्राइमरी को लेकर के भी इसी में कंटिन्यू करके उन्होंने बताया। और जहां तक प्राथमिक की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलंब है, और विलंब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है, और दूसरा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का भी एक मुद्दा है, इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना है उसका से पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें। ये चीज इनके द्वारा क्लियर की गई, लगभग 20 से 25 या कह सकते हैं सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीआरटी वगैरह का को लेकर के बात यहाँ पर की गई है, और ये सारी चीजें इनके पिछले वाले जो बयान थे उससे भी मैच कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के इनके द्वारा बताया गया था। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर के भी पूछा गया तो
कट ऑफ को लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा जो है ये बताना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने के अभ्यर्थी हैं और जिनके द्वारा परीक्षा दी गई है। क्योंकि स्टेटमेंट काफी बड़ा था, उसमें से जो खास खास बिंदु हैं उसको छाट करके मैंने सुनाया है, इसलिए मैं बीच बीच में बोलते भी जा रहा हूँ, साथ में आपको सुनाते भी जा रहा हूँ। लास्ट में एक पॉइंट के लेकर के और बात की गई, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने जो फीस वगैरह सबमिट की थी उसको वापस करने को लेकर के क्या इनके द्वारा कहा गया, वो भी जरूर सुनिए। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की जरूरत है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है, और राज्य सरकार इससे कहीं ज्यादा दो गुना तिगुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोले कि आपको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा, सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था। समझ गए होंगे आपकी किस चीज को लेकर के यहाँ पर बात की गई है, कि अगर पैसे वापस मांग लिए होते तो एक जो चांस था वो भी नहीं रह जाता, इसलिए उनके द्वारा भी परीक्षा कराई गई और यही चीज उनके द्वारा बयान में भी जो है वो कहा गया। लास्ट में एक बात को लेकर के उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मीडिया में आकर के किसी अभ्यर्थी ने जो है वो बीपीएससी को लेकर के कुछ गलत बोला होगा, तो उसको लेकर के उन्होंने बताया कि माफीनामा वगैरह भी उनके द्वारा जो है वो मंगवाया गया है उस अभ्यर्थी से। और ये भी इनके द्वारा कहा गया कि जो भी बिहार में पेपर देने आ रहा है, फेसियल सारा हमारे पास डाटा है, तो अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति राज्य में एक राज्य कर्मी का दर्जा उसको मिलेगा, अगर वो कोई इस प्रकार की कृत्य घटना करता है तो फिर हम उसे वहां आगे जा करके जो प्रक्रिया है उसे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वो एक राज्य कर्मी का दर्जा उसको मिलने जा रहा है, तो उसके जो दायित्व होते हैं वो राज्यों को लेकर के भी ध्यान में रख करके बयान देना चाहिए, इस बात को लेकर मेंशन के द्वारा किया गया। लास्ट वाला स्टेटमेंट भी इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने पहले भी और हमारे आयोग ने भी इस बात को प्रकाशित किया हुआ है कि कोई अमर्यादित बातें कहते हैं, आप अभ्यर्थी हैं इसलिए कि आप राज्य कर्मी बनना चाहते हैं, और राज्य कर्मी की गरिमाओं और मर्यादाओं का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की अनुशंसा कतई नहीं करेंगे। और आजकल आप लोगों ने देख ही लिया कि फेशियल रिकॉग्निशन का जमाना है, फेशियल रिकॉग्निशन से हम लोगों ने कई लोगों को चिन्हित किया है। हमारे लिए बहुत आसान है कि जो मीडिया पर जो लोग आकर के गलत सलत बात बोल के चले जाते हैं, वो समझ कर रहे हैं कि सब पर नजर है, और हमारे सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी को हम लोग नोटिस भी दिया और उसने माफी भी मांगा है, सबको कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। अगर हम उन पर पकड़ करके हम उनको उनके उस कारण पीछा करके उनको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। ये सारा पूरा इनका बयान था, सारी इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, और एक खबर भी निकल करके आ रही है, उसकी जब पुष्टि हो जाती है तो मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। बाकी अभी तक के लिए पूरा ओवरऑल अपडेट था। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।